नमस्कार, मैं अश्रा मेहता और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। बिहार में इस साल के बचे हुए दिनों के लिए स्कूलों की छुट्टियां 23 से घटाकर 11 कर दी गई हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इस साल सितंबर से दिसंबर महीने के बीच त्योहारों पर 11 दिन ही स्कूल बंद रहेंगे। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के अनुसार सितंबर से दिसंबर तक के बीच छुट्टियों को लेकर जारी नए कैलेंडर के मुताबिक अब 30 अगस्त को स्कूलों में रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि बिहार में स्कूलों में दीपावली से लेकर छठ पूजा तक यानी कि 13 नवंबर से 21 नवंबर तक छुट्टियां थी। नए आदेश के अनुसार अब 9 दिनों की छुट्टियों को घटाकर 4 दिनों का कर दिया गया है। बता दें कि छठ पर्व को बिहार में बेहद आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिनों का होता है। सरकारी स्कूलों में अब दीपावली की छुट्टियां 12 नवंबर को होगी, 15 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी होगी और 19 और 20 नवंबर को छठ पूजा की। शिक्षा विभाग की ओर से छुट्टियां कम करने को लेकर कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची के तहत प्राथमिक स्कूलों में कम से कम 200 दिन और छठी से आठवीं स्कूलों तक कम से कम 220 दिनों का कार्य दिवस का प्रावधान है। चुनाव, परीक्षा, कानून व्यवस्था, त्योहार, आयोजन, बाढ़, प्राकृतिक आपदाओं पर कई प्रकार की परीक्षाओं की वजह से पाठन पठन का कार्यक्रम प्रभावित हो जाता है। इसके अलावा त्योहारों पर स्कूलों के बंद होने की प्रतिक्रिया में एक रुकता नहीं है, यानी किसी त्योहार पर एक जिले में स्कूल बंद होते हैं तो दूसरे स्कूलों में खुले होते हैं। इन सबको देखते हुए विभाग ने फैसला किया है कि सभी स्कूलों में इस साल बचे हुए दिनों की छुट्टियां तय की गई है जिनमें स्कूल बंद होंगे। जानिए कौन से त्योहार पर स्कूल होंगे बंद। रक्षाबंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, जीवित पुत्री का व्रत, दुर्गा पूजा, दीपावली और गुरु नानक जयंती, इन सभी त्योहारों पर स्कूलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं बिहार सरकार की ओर से जारी की गई छुट्टियों की लिस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार में स्कूलों में दीपावली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द की गई है, दरअसल छुट्टियों को कम कर दिया गया है। वहीं इसको लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव वगैरह की वजह से स्कूल पहले ही बंद हो चुके थे। उनकी भरपाई करने के लिए छात्रों को पाठन पठन के लिए स्कूलों की छुट्टियां कम करना जरूरी है। खैर, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए एमजी मीडिया न्यूज।